कोरोना के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण के लिए पूरे बस्तर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी है। कलेक्टर रजत बंसल ने बताया, अभी हमारे पास डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें अभी 200 बेड हैं, जिन्हें बढ़ाकर 300 से बढ़ाकर 500 तक किया जाएगा। बस्तर में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। परिवहन केंद्रों में बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। कोरोना टेस्ट में कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसे एम्बुलेंस के जरिए क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन कर अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जगदलपुर जिले में लगातार पहले फेज में ही हमने पुख्ता व्यवस्था की थी। सौभाग्य की बात थी कि उन व्यवस्थाओं का उस समय उपयोग नहीं हुआ। हमने पहले ही अपने धर्मपुरा आइसोलेशन सेंटर के साथ साथ बकावन का आइसोलेशन सेंटर, करपावन का सेंटर और बेसुली का सेंटर भी बना दिया था, जिसमें लगभग 1000 बेड की और कैपेसिटी हमने बना दी थी। अभी भी वो कैपेसिटी बनी हुई है। वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। साथ में ही हमारे जैन समाज के माध्यम से भी हमने एक छोटा आइसोलेशन सेंटर शहर में बनाया था। अभी एक होटल को भी हमने इसमें कन्वर्ट किया है। और उसके अलावा डिमरापाल मेडिकल कॉलेज ही हमारा मुख्य स्तंभ रहेगा कोरोना के केयर के लिए। जितने गंभीर पेशेंट पूरे संभाग के होंगे उनको वहीं